सभी को नमस्कार। उपस्थित हमारे मीडिया के तमाम साथी हैं, आप इस लोकतंत्र की खूबसूरती हो और इसीलिए आपको जो है इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, क्योंकि आपके ही वजह से इस पूरे लोकतंत्र में समाज की कुरीतियां हो या समाज के अच्छा कार्य हो, एक सामाजिक आईना के तरह आप लोगों के सामने दृढ़ता से अपने बात को रखते हैं, जिससे समाज में हर कार्य जो है कहीं ना कहीं एक सार्थकता के तौर पे सामने आता है। जहां तक बात आज रही हमारा जिला परिषद का प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जिला परिषद का अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। मेरा कार्यकाल में और 7 दिन बाकी है, आज 11 तारीख है, 18 तारीख को मेरा कार्यकाल समाप्त है। लेकिन इस कार्यकाल को इसीलिए आज कहीं मैं समय को चुना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि जनरल इलेक्शन कभी भी घोषित हो सकता है, जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से आपके साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ नहीं सकता था और ना आप भी आ सकते थे। इसीलिए एक अनिश्चितता बनी हुई है कि कभी भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। इसलिए हमने जो है 7 दिन पहले आपके साथ रूबरू होने के लिए निश्चय किया। जहां तक बात रही कि ये 1 साल में मैंने क्या किया, ये सबसे प्रमुख विषय है। आज मेरे पास, मेरे साथ, मेरे सहयोगी, मेरे दोस्त, हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्री भूमिनाथन जी और जिला परिषद वर्ष कमेटी के चेयरमैन हमारे बशीर भाई भी, ये निरंतर हमारे सहयोग दिए हैं, जिसके वजह से हमने 1 साल में ये मुकाम को हासिल किया है। मैंने जिला परिषद जब मैं अध्यक्ष बना तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इस भवन को करीब करीब 2002 में ये भवन बना, ये करीब करीब 22 साल हो गया, लेकिन इस भवन को कभी नाम नहीं मिला। और मेरा मन में आया कि क्यों ना इस भवन का नाम दिया जाए। और मैं आपको बता दूं कि सर्वसम्मति से हाउस में पास करके हमने इस भवन का नाम दिया और ऐसे महापुरुष के नाम से इस भवन का नाम रखा कि पूरा विश्व उनको मानता है, हमारा राष्ट्र भी मानता है और इस देश के हर राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो सभी उस व्यक्तित्व को नमन करता है, मानता है। ऐसा व्यक्तित्व हमारे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर हमने इस भवन का नाम अटल भवन रखा। और उसके साथ साथ में मैंने आपको बता दूं कि हमारा इस जिला परिषद का अपना जो पहचान होता है, लोगों हर डिपार्टमेंट का एक पहचान होती है कि आपका लोगो क्या है, आपका क्या है, कार्यशैली का पहचान क्या है। फिर हमने जो है माननीय मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन के माननीय केशव चंद्रा जी के हाथ से यहां पे इसी भवन में लोगो लॉन्च किया और जिला परिषद को एक जो है अपना पहचान दिया कि जिला परिषद का भी अपना एक लोगो है, अपना एक पहचान है। आपको तो मैं बता दूं कि आज मैंने जो भी किया है ये हमारे
यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रेरणा लेके, उनसे प्रेरित होके मैंने भी उनके कार्यों के साथ अपनी एक छोटी कोशिश की है कि मैं भी जो है एक साल में कितना काम कर सकता हूं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप 10 घंटा काम करोगे तो मैं 11 घंटा काम करूंगा, आप 14 घंटा काम करोगे तो मैं 15 घंटा काम करूंगा। उसी का छोटा सा मैंने इस समाज में कुछ करने के लिए हमने कोशिश किया है और उसी से प्रेरणा लेके जो मोदी जी का अपना स्लोगन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, आज उसी स्लोगन को लेके आप ये मान सकते हैं कि पिछला एक साल आज से एक जो कि 7 दिन कम एक साल में मेरा जो कार्यकाल है सिर्फ मैंने रूरल एरिया को विकास करने के साथ साथ हर क्षेत्र को विकास में अपना योगदान दिया है। हमारा यह अटल भवन हो, हमारा गेस्ट हाउस हो, हमारे अंतर्गत 3-3 स्कूल चलते हैं, VKV विवेकानंद जिला परिषद विद्यालय, हमारे कोटमोट फरारगंज सोर पॉइंट, उसका भी हमने जो है विकास किया है। आपको मैं बता दूं कि हमने जो है फरारगंज में पिछले दिनों नए 8 क्लासरूम का उद्घाटन कराया माननीय मुख्य सचिव जी के हाथों, उसी तरह सोर पॉइंट में भी नए 8 क्लासरूम हमने बनवा कर दिए हैं जो कि उसका भी उद्घाटन हो चुका है। फिर पोर्टमोट में भी स्मार्ट क्लास का हमने कार्य शुरू कराया माननीय मुख्य सचिव जी के हाथों। अभी जस्ट 10 दिन पहले 15 दिन पहले मैंने वहां पे बच्चों को असेंबली के लिए एक भवन का निर्माण करना था, उसका भी मैंने लगभग 1.5 करोड़ रुपया का हमने पास करके माननीय मुख्य सचिव जी के हाथों उसका जो शिलान्यास कराया, उसका टेंडर भी हो चुका है, मैंने प्रोसेस में है, ऑलरेडी कॉल हो चुका है। तो ऐसे मैंने हर क्षेत्र में ग्रामीण विकास हो या हमारा जो एसेट है जिला परिषद का, उन हर क्षेत्र में हमने काम करने का प्रयास किया है। और आज मैं बता दूं कि जिला परिषद में 18 सदस्य हैं और ये पहली बार आप कह सकते हैं कि ये एक साल के अंतर्गत हमने हर उस जिला परिषद को कार्य देने का एक निश्चय किया, एक चैलेंज लिया और आज हर जिला परिषद के पास बिना किसी पक्षपात किए हुए हर मेंबर को, वो हमारे कांग्रेस पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, मैं 18 मेंबर का अध्यक्ष था उसके नाते हमने हर मेंबर को उसके कार्यक्षेत्र में काम करने की कोशिश की बिना किसी स्वार्थ का। और सबसे बड़ी बात है कि अंडमान निकोबार के इतिहास में मैं कह सकता हूं कि जिला परिषद पहली बार आपके पास में, मैं चाहूंगा कि ये लिस्ट मिल जाए, इसमें सबको कॉपी दे दीजिए, सभी को जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं सबको इस कॉपी को प्रोवाइड करिए। मैं समझता हूं कि आज जो है 86 काम पहली बार अंडमान निकोबार के जिला परिषद के इतिहास में एक साल में 86 काम को स्वीकृत करके उस क्षेत्र में कार्य करवाना
मैं कह सकता हूं कि जिला परिषद के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ। और ये कार्य जो है 15,32,12,881 रुपया हमने पेंशन किया है। आप इस चीज को, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही कोई कॉपी बना, आप बताए दे कभी भी चाहे तो आप जाके इस ऑफिस में पता कर सकते हैं। हर कार्य का फाइनेंशियली जो अप्रूवल होता है, पेंशन होता है करके टेंडर प्रोसेस में है, और कितने कार्य जो है अपने ग्राउंड पर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस लगभग 15.5 करोड़ का काम देने के जो नियम रहे वो टोटली पारदर्शिता रहे। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि जिला परिषद में कार्य जो है किसी तरह का रिश्वत लेके, किसी तरह का पैसा देके हमने कराया करके। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी ठेकेदार से पूछिए कि क्या आपको काम मिला है, क्या किसी को पैसा देना पड़ा है, क्या क्या किसी ने आपसे पैसा लिया है, क्या आप पता करिए। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी एक व्यक्ति का हिम्मत नहीं होगा कि वो कह दे कि जिला के अंतर्गत मैंने जो है पैसा लेके कोई काम किया है, या हमने किसी को रिश्वत दिया करके, ऐसा कोई कह नहीं सकता। नहीं तो ये जिला परिषद एक समय में एंटी करप्शन और सीबीआई का बहुत बड़ा एक अड्डा था कि हर दिन कोई ना कोई यहां पे आके इंक्वायरी करने के लिए आता था। लेकिन आप पता करिए इस एक साल के कार्यकाल में किसी तरह का, किसी भी तरह का कोई प्रश्नचिन्ह लगा हो या कोई तरह का शिकायत हुआ हो ऐसा आप सुन ले सकते हैं। और इसका मुख्य कारण यही है कि पारदर्शिता, हर कार्य में आपको पारदर्शिता है। अभी पिछले दिनों आप देखे होंगे सौर पॉइंट में तुसनाबाद में, तुसनाबाद का हमने दुकान का हमने ऑप्शन किया, पूरी पारदर्शिता के साथ में हमने ऑप्शन किया है। जो लोग अप्लाई किए पूरे खुले मन से जो है उनको हमने लॉटरी सिस्टम हो या बोली हो पूरे पारदर्शी के तौर पे बोली करवाए और आवंटित कराए। आज भी जो है फरारगंज के 8 दुकान का आज बोली होने वाला है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उसमें आइए और देखिए कैसे यहां पे दुकानें आवंटित होती है। पूरी तरह से पारदर्शी और निस्वार्थ भाव से हमने एक संकल्प लेकर काम कर रहा है। और ये सारे कार्य अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो उसका टीम का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मैं कहूं कि मैंने कर दिया, ये टोटली गलत होगा। आज ये मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, इस ऊंचाई तक पहुंचा हूं, तो सबसे प्रमुख मैं बोलूंगा इंजीनियरिंग, जो कि मैंने जो भी अपनी बात को रखा है कार्य करने के लिए, मैं कह सकता हूं कि इंजीनियरिंग इनका एक सबसे बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने जिस कार्य की जहां जरूरत पड़ी तुरंत एस्टीमेट बनवाना हो और उसको सेंक्शन कराने तक जिस तरह से उन्होंने प्रयासरत रहा, उसके लिए मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने कार्यकाल में इतना बड़ा कार्य करने का अगर मुझे ये संजोग मिला तो उसमें इंजीनियरिंग का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं। साथ साथ में हमारा अकाउंट ऑफिसर हो समय रहते उसको सेंक्शन करना, इसके अलावा हमारा प्लानिंग सेंक्शन हो उसका समय रहते उसको कार्यबद्ध तरीके से उसको पास करवाना हो, और साथ साथ में सबसे बड़ा चीज हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ मैन, हमारा स्मिता मैम जो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मैं उनके बारे में जरूर कहना चाहूंगा
कि इस कार्य को अगर मैं यहां तक पहुंचाया हूं तो मैं इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि उन्होंने हर समय मुझे सहयोग दिया है। साथ साथ ये जितने कार्य मैं कर पा रहा हूं तो सबसे बड़ा चीज होता है वर्क कमेटी। ये समय रहते वर्क कमेटी अगर पास न करे कार्य को तो मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा। और उसमें हमारे साथ बैठे हुए बसीर भाई है जिनके सहयोग से जब भी मैंने कोई कार्य को समझा कि यह कार्य को होना है तुरंत उन्होंने इमीडिएट कॉल किया और उस कार्य को पास किया। साथ साथ में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि किसी भी जंग को लड़ने के लिए आपका सबसे एक विश्वसनीय व्यक्ति होना। देखिए महाभारत में अर्जुन अगर महाभारत को अगर लड़के जीते तो उनका अच्छा एक सारथी थे जिसके वजह से उन्होंने महाभारत को जीता। और मैं समझ सकता हूं कि अगर इस जिला परिषद में अगर मैं ये एक माइलस्टोन फिक्स किया है और यहां तक पहुंचा है तो मेरे सारथी के तौर पर मैं बोल सकता हूं कि भूमि भाई जो हमारा उपाध्यक्ष है ये जो हमेशा मेरे साथ जो है खड़ा रहे सहयोग किए हमेशा जो है कभी भी मैं कहीं भी रहा एक बात बोला कि भूमि भाई एक चीज करना है करके तुरंत जो है इस चीज को क्रियान्वित किया कि भैया बेफिक्र रहिए मैं कर रहा हूं करके तभी जाके हम इस स्तर पे आज हम बात कर पा रहे हैं कि एक साल में हमने 86 काम जो आज तक कोई कर नहीं पाया आगे पता नहीं कोई कर पाएगा क्या करेगा मुझे नहीं पता है लेकिन जिस पारदर्शिता के साथ हमने जो काम किया है वो वाकई में मैं उस चीज के लिए अपने आप में एक प्राउड फील करता हूं कि जो मेरी पार्टी ने जो हमें जिम्मेदारी दिया जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी.एल. संतोष जी हो या प्रदेश के प्रभारी हमारे सत्या जी हो अंडमान निकोबार के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी हो जो जिम्मेदारी के साथ हमें इस जिला परिषद का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है दिया है मैंने उसको निष्ठा से एक साल के अपने कार्य को किया है। और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई व्यक्ति को अगर लगता है किसी विषय पर मुझसे सवाल करना या उसके मन में है कुछ मुझसे पूछना तो पूछ सकता है। मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप मेरे से किसी तरह का सवाल कर सकते हैं और मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट कैसे करूं अपने बातों से अपने कार्यों से। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बातों को मुझसे कर सकते हैं। धन्यवाद।